वन वन के जी के क्रैब्स हैं, फुल रेड है, काफी बड़े बड़े केजी में। महाराष्ट्र में बोलते लाल पार्ट जिसमें अच्छा। फुल मीट क्रैब रहते हैं। ओके, इसमें छोटा है रेडिश, वन के जी का एक क्रैब है। ओके, एक्सपोर्ट क्वालिटी के क्रैब है, आप देख सकते हो ये मिनिमम एक डेढ़ के जी के आसपास क्रैब है। तो अच्छे वाले क्रैब आपको यहाँ पर मिलेंगे और वो भी अच्छे रेट्स में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है ये सिर्फ क्रैब का होने वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ केकड़े। तो जो मड क्रैब होते हैं, रेड क्रैब होते हैं, उनके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आया हूँ नालासोपारा में, नालासोपारा में इनका वेयर हाउस है, वहाँ से सारे ये केकड़े सेल करते हैं। तो चलते हैं वहाँ पर और क्या क्या वैरायटीज़ के केकड़े हैं और क्या रेट्स चल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रही है, पूरा वीडियो देखिए। जिसने भी जो भी कोई मेरे चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग मुंबई में जहाँ कहीं भी रहते हो ना, वहाँ से आपको नालासोपारा स्टेशन आना है और नालासोपारा स्टेशन में आके आपको वेस्ट में बाहर आना है। वहाँ से आपको शेयर ऑटो मिल जाएगा लोकेशन तक के लिए, 15 रुपया पर पर्सन सीट चलता है शेयर ऑटो से, 15 रुपया। तो दोस्तों, ये हैं अंकू भाई जो ये केकड़े जो होलसेल में बेच रहे हैं उसके ओनर हैं, तो ये आपको सारी डिटेल में बता देंगे। तो अंकू भाई, कौन से वैरायटीज के केकड़े आपके पास मिलते हैं? जैसे कि अपने पास दो टाइप के यहाँ पे केकड़े आते हैं, जो एक रेड मड क्रैब आता है और एक ग्रीन मड क्रैब आता है। सो फिलहाल अपने पास ग्रीन भी है और रेड भी है, बट बेसिकली यहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे मुंबई के लोग रेड मड क्रैब ज्यादा खाते हैं, ग्रीन मड क्रैब तो सूप के लिए यूज होते हैं, वो बड़े बड़े रहते हैं, बट यहाँ पे रेड मड क्रैब ज्यादा खाते हैं। तो अभी आपके पास कौन से ग्रीन मड क्रैब हैं? अभी ग्रीन भी है और रेड भी है। रेड भी है। तो ग्रीन में आपको दिखा देता हूँ और रेड भी दिखा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। तो ये सारे क्रैब्स आप हमको दिखा दीजिए, रेट्स बता दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अंकू भाई, ये पहले जो छोटे वाले हैं इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए जरा हाथ में लेके कि ये अच्छा। कौन से हैं? ये छोटे वाले क्रैब है जो अच्छा। कि किलो में एक 9 से 10 पीस से ज्यादा भी बैठते हैं। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ बट अच्छा। एंड डिफरेंस आपको बताता हूँ, जो ए एसी है जो हाँ। हार्ट शेप है हाँ। वो मादी है। अच्छा, ये मादी है। एंड जो व्हाइट कलर का जो है हाँ। पार्ट हाँ। स्ट्रेट है, स्ट्रेट है हाँ। वो नर है, ये नर है। ओके, एंड इसका पर 1 ग्राम पकड़े हुए तो 100 ग्राम के आसपास एक एक केकड़ा होता है, एक क्रैब होता है। मतलब तो आप केजी में एक 10 पकड़ के चलो। ओके, बट ऐसे कंपलसरी हम लोग 1 केजी में एक्स्ट्रा ही देते हैं कस्टमर्स को, जैसे गोडाउन से आके आप लेते हो तो। ठीक है, तो क्या रेट में मिल जाते हैं ये वाले छोटे? ये जो छोटे क्रैब्स है वो एक टाइम पे हम लोग 250 से भी दे रहे थे, 280 से भी दे रहे, बट अभी कैसे ठंडी का टाइम है सो इसकी वजह से 300 रुपया होलसेल रेट है। Okay. आप गोडाउन से यहाँ पे आके गोडाउन पे विजिट करके लेते हो तो और भी कम हो जाएंगे, जैसे अच्छा। कि आपके वीडियो के अच्छा, यानी कि अफजल व्लॉग के नाम से अगर कुछ लोग आएंगे तो थोड़ा और डिस्काउंट आप दे देंगे। तो देखिए, 300 रुपए किलो में ये छोटे वाले आपको मिलेंगे, जो 10 पीस के आसपास इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, 10 से 11 एक किलो में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े वाले हैं, देखिए इसके भी बारे में कुछ बताइए, ये कौन से हैं और इनका क्या रेट है? ये भी रेड मड क्रैब है। रेड मड क्रैब है, अच्छा। थोड़े बड़े होते हैं अच्छा। जो अपन रेगुलर अपने बाहर के मार्केट में मिलते हाँ, फिश मार्केट में मिलते जी, ये देख सकते हो, ये थोड़े बड़े रहते हैं, ये थोड़े से बड़े हैं राइट। ये फीमेल है हाँ। तो हाथ में हमारे पास एक 75% फीमेल्स ही मिलती है। ओके, मादा ही मिलती है। बिकॉज़ इधर ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स ही खाते हैं। अच्छा, इसमें टेस्ट का कुछ फर्क होता है क्या फीमेल और उसमें? टेस्ट में बहुत डिफरेंस रहता है, जैसे अच्छा। कि कुछ कुछ लोग का लोकल भी माल रहते हैं, हमारा जो माल आता है आपको पता ही, चेन्नई, बेंगलोर, रत्नागिरी, हैदराबाद, मड़गांव, इधर से माल आता है। अच्छा, सो हर एक स्टेट के अलग अलग, जैसे कि बोलते हैं टेस्ट के हिसाब से हाँ, बराबर अलग अलग रहते क्रैब्स रहते, तो हमारे उस साइड के जो डाउन साइड से आते उसके टेस्ट ही बहुत अलग है और अच्छा। एक्सपीरियंस भी सबका, हम लोग मंथली हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं तो सबके टेस्ट में कुछ कभी कंप्लेंट्स नहीं आए। अच्छा, नहीं अच्छा टेस्ट मिलता है। और ये थोड़े से जो बड़े हैं तो ये 1 किलो में तो कम आते होंगे फिर? हाँ, ये 1 किलो में देखने को गए तो 7 से 8 पीस आते। तो रेट क्या है इसका? इसका रेट अभी फिलहाल चल रहा है वो 350 रुपीज केजी। ओके, बट सेम क्वेश्चन एंड आंसर आपके से कोई आ रहा है तो हम लोग
उनसे भी क्रैप्स लो, उसमें हम लोग एक 20% से 30% डिस्काउंट करके दे देंगे। देखिए आप लोग आएंगे तो मेरे अफजल व्लॉग के नाम से अगर आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये हो गए ये थोड़े से बड़े वाले मड क्रैप्स। अब इससे भी बड़े वाले मड क्रैप पे आते हैं, ये देखिए ये काफी बड़े हैं, इसको भी जरा दिखा दीजिए। तो ये भी है सेम नर एंड मादी। हाँ सेम जी के राइट है। ओके हाँ तो इसके क्या रेट पड़ेगा? एक किलो में ओनली 6 पीसेस बैठे। अच्छा 6 to 5, 5 से 6 पीस बैठेंगे। फोर मीट क्रैब है, फोर मीट क्रैब है। ये जो आपको इससे पहले भी दिखाया था उसकी 100% गारंटी हम लोग देते हैं। सपोज कोई लेके भी जाता है क्वांटिटी में, उसमें कुछ क्रैब्स खराब आते हैं तो हम लोग का एक कोई होलसेलर करता नहीं है, क्योंकि होलसेलर के एक बार लेके गया तो बात खत्म। अच्छा बट हम लोग एक गारंटी देते कि कुछ भी क्रैप्स में डाउट आए या कुछ भी खराबी आई तो हम लोग उसको एक्सचेंज नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसको एक्सचेंज करके देंगे, अदरवाइज हम लोग उसमें डिस्काउंट में कवर अप करके दे देते। ओके तो ये इसका क्या रेट होना है? इसका रेट 400 rupees केजी चल रहा है। बट अभी फिलहाल हम लोग जैसे कि आज जो माला है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आज का रेट है 380 rupees अभी का रेट चल रहा है, जो होलसेल रेट है। रिटेलर रेट तो आप मार्केट में देख रहे हो, 600-700 rupees, 800 rupees जाता है। तो यानी कि अगर लोग थोड़े से ज्यादा लेंगे तो आप थोड़ा अच्छा डिस्काउंट कर देंगे यहाँ पर, है ना? रिटेल के हिसाब से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर होलसेल में ज्यादा लेते तो अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये है इसका 380 rupees के आसपास का इन्होंने रेट बताए हैं। ये बड़े वाले क्रैब्स हैं और इस तरह से ही मैंने आपको बता दिया, ये थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े से छोटे हैं, और ये जो सबसे छोटे हैं जो 1 किलो में 10 पीस आते हैं ये 300 rupees के आसपास का। सूप के लिए लेते हैं। हाँ ये छोटे वाले जो है आई थिंक सूप के लिए यूज किया जाता है काफी सारे। और ये सारे मड क्रैब्स हैं, नर मादा दोनों इनके पास हैं, आपको जैसे भी चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं चॉइस करके। तो ये अलग अलग तरीके के कुछ क्रैब्स हैं, अभी मैं आपको इससे भी बड़े वाला क्रैब दिखाता हूँ, उनके क्या रेट है वो भी पता करते हैं। आपको होलसेल में लेना है जितना ज्यादा हो सके, रिटेल में लेंगे तो थोड़ा सा महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन होलसेल में और अफजल व्लॉग अगर आप बोलकर यहाँ आते हैं लेते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट ये लोग दे देंगे। अच्छे होलसेल के क्रैब्स यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़े और बड़े वाले क्रैब्स दिखाता हूँ, उनके क्या रेट है, उनके क्या वेराइटीज है वो भी जरा समझते हैं। आइए तो अंकु भाई अभी आप हमको बड़े वाले क्रैब दिखाने वाले हैं, उनके भी रेट्स वगैरह बताइए, उनकी भी क्या खासियत है जरा वो भी बताइए जरा बड़े वाले। तो अभी जो क्रैब्स है वो महाराष्ट्र में लिमिटेड स्टॉक में आता है। अच्छा और तो मिलते भी है तो उनके प्राइस आप देख के शॉक हो जाओगे, 1800 से 2000 से आसपास वो रेट है। अच्छा मार्केट इतने महंगे हो गए? अभी मैं दिखाता हूँ आप जी। ओह ये तो भाई जबरदस्त है, ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के क्रैब्स है। टोटल एक्सपोर्ट क्वालिटी के क्रैब है, आप देख सकते हो ये मिनिमम 1.5 kg के आसपास क्रैब है। एक क्रैब ही 1 kg के ऊपर इतना जो क्रैब है, 1.5 kg के आसपास एक क्रैब है। चूंकि इसका होलसेल रेट अभी हमारे पास 800 rupees है, ओनली 800 rupees। ओहो यानी कि बाहर ये जो 1200-1300 rupees के आसपास शायद उससे भी ज्यादा। नहीं नहीं 1200-1300 तो ये देखो ये दिखा रहा हूँ, वो भी 1500 rupees। अच्छा ये जो थोड़ा सा साइज में छोटा है रेडिश, 1 kg का एक क्रैब है। ओके ये आपको अराउंड 1200-1500 rupees के आसपास मिलेंगे। अच्छा जो कि हमारे पास ओनली 700 rupees फिलहाल रेट चल रहा है। भाई देखिए आप लोग ये वाले क्रैब आपको मिलेंगे यहाँ पर 700 rupees केजी में। महाराष्ट्र में बोलते लाल पार्ट जिसमें अच्छा। फुल मीट क्रैब रहते हैं। ओके नर है तो फुल मीट क्रैब रहता है, एक उसका नांगा मेरे 5 उंगली इतने बराबर ये इनका रेट क्या है बड़े वाला का जो आपने बोले? अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है 800 rupees हमारे होलसेल रेट से चल रहा है, 800 rupees या 1200 rupees उसका रेट रहता है। ओके बट अभी फिलहाल उसका चल रहा है हमारे पास 600-700 rupees के आसपास आज का रेट चल रहा है। अच्छा तो यानी 600-700 rupees का रेट है, जैसे साइज के ऊपर अगर बड़ा है तो 700 है और थोड़ा छोटा है तो 1 kg और 1.5 kg का, तो वो 600-650 rupees के आसपास का रेट में आपको ये मड क्रैब बड़े वाले मिलेंगे जो मार्केट में इतने महंगे हैं। और एक क्रैब आप ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो
तो आपको बिफोर वन डे नाइट पहले कॉल करके हम लोग को बोलना पड़ता है, तभी जाके बुकिंग होता है। बुकिंग होता है, अदरवाइज ये माल अभी मैं एक मैसेज कर दूं तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यानी बहुत जल्दी बिक जाता है ये वाला माल। बहुत जल्दी बिक। तो ठीक है, देखो दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो बड़े वाले क्रैब्स हैं इसको अगर आपको होलसेल में चाहिए तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये आपको दिखा देते, देखो कितना बड़ा है ये, है ना, काफ़ी बड़ा है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ेगा, ज़्यादा चाहिए तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सारे क्रैब्स हैं, एक और क्रैब की पेटी है, मैं उसमें भी जरा पता करता हूँ कि इनका क्या रेट्स हैं। सूप क्रैब है, सूप क्रैब, देखिए ये भी थोड़े छोटे हैं, इनका क्या रेट है भाई? अभी का जो चल रहा है वो 280 रुपीस चल रहा है। अच्छा 280 रुपीस, ये देखिए सूप क्रैब है 280 रुपीस में है। ऑलरेडी आपके ब्लॉग से आ रहे तो ऑलरेडी हम लोग कम कर ही देंगे, कम कर ही देंगे, और मेरी गारंटी है 100% आपके ब्लॉग से कोई आता है तो एक 20% या 30% मेरी तरफ से डिस्काउंट कर देंगे। तो भाई देख लो इतना अच्छा डिस्काउंट आपको इतने अच्छे अच्छे क्रैब्स के लिए मिलने वाला है। देखिए छोटे वाले सूप के क्रैब्स हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, ये देखिए ये काफ़ी बड़े हैं, और इसके बाद में ये वाले क्रैब्स हैं, तो 280 रुपीस से स्टार्ट होते हैं और ये बड़े वाले आकर यहाँ पर 600 से 700 रुपए के आसपास में आपको ये क्रैब्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये बड़े बड़े जो क्रैब्स हैं और जो बाकी के सूप वाले छोटे क्रैब्स हैं, ये सारे क्रैब्स आपको होलसेल रेट में यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको जितने ज्यादा चाहिए आप कॉल करके बोल सकते हैं, ये उतने ज्यादा अरेंज करके रखेंगे, क्योंकि बड़े वाले क्रैब जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और छोटे वाले सूप वाले क्रैब तो मिलते ही हैं। 280 रुपीज से ये स्टार्ट है अभी आज के रेट के हिसाब से, जो 700 रुपए तक है इनके पास जो बड़े वाले क्रैब है। लेकिन एवरी डे फ्लक्चुएशन होता है मार्केट के हिसाब से, ऊपर नीचे, जैसे आप जानते हैं कि मछलियों के रेट में भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो रेट चेंज होते रहते हैं। पर आपको कॉल करना है और जो भी कोई अफजल ब्लॉक के नाम से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर खरीदने के लिए इनके वेयर हाउस में आएगा या इनको कॉल करके मंगाएगा, उसके लिए स्पेशली डिस्काउंट है, इन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, जो बेस्ट क्रैब्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है और ये वेयर हाउस कहाँ है, उसका पूरा एड्रेस हम अंकु भाई से पूछते हैं। तो मैं बताइए क्या एड्रेस है? नाला सोपारा में आप आओगे, नाला सोपारा वेस्ट में आओगे तो सिद्धिविनायक नगर, इसको भी बोला है, या डांगे कॉम्प्लेक्स में किसी को पूछा तो ऑटो से स्टेशन से इधर मिनिमम 5 मिनट्स का ऑटो से, अच्छा वॉकेबल आते हैं स्टेशन से नाला सोपारा वेस्ट, तो मिनिमम 15 to 17 मिनट है स्टेशन से। बट आप सिद्धिविनायक नगर या इधर भी आप नाला सोपारा वेस्ट में आते हो, किसी को भी पूछा बाकर पिछली क्रैब होलसेलर का है तो उन लोग आपको लोकेशन बता देंगे, और आप गूगल पे भी डालोगे कि बाकर फिशरीज तो गूगल पे भी हमारा भाकर फिशरीज आपको अगर गूगल मैप पे डालोगे तो भी आ जाएगा, और मैं आपको लाइव लोकेशन भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको आने के लिए बहुत ईजी हो सके। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे क्रैब्स, होलसेल के क्रैब्स, क्योंकि मैं हर एक मेरे जो वीडियो होते हैं मार्केटिंग के, ट्रैवलिंग के और फिश के जो ब्लॉग्स होते हैं जिसमें सारे तरह के फिश मैं आपको दिखाता हूँ। एक दो ब्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया था प्रॉन्स का, ओनली प्रॉन्स मैंने आपको दिखाया था, तो आज मैंने आपके लिए लेके आया है कि पूरे क्रैब्स, मड क्रैब्स जो होते हैं, रेड और ब्लैक मड क्रैब, उनके बारे में ये वीडियो था। तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और आने वाले हैं ट्रैवलिंग मार्केटिंग, अभी तो कुछ आपके लिए मैं लाने वाला हूँ इमिटेशन ज्वेलरीज, कपड़ों के लिए, लेडीज मटेरियल्स के लिए, ये सारे ब्लॉग भी आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो आगे मिलते हैं एक और किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।